किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा, मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है, जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है। इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? बिना शहर पर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। साथियों, नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं, हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी, 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है।
साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है, एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। साथियों, एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसान की मर्जी पर है भाई। किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आने वाली फार्मिंग एग्रीमेंट, उसका एक खाका बना करके किसानों को देके रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग ना कर सके। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी
अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है, कई विषयों पर सच्चाई देश के सामने रखी है। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी, और यह देश सफल होगा, यह देश का किसान भी सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हुए आज मध्य प्रदेश के लाखों लाखों किसानों के साथ मुझे अपनी बातें बताने का मौका मिला, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ है, पीछे खड़े देश का किसान आपके साथ है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आज लाखों लाख किसानों को गांव गांव में, ब्लॉक मुख्यालयों पे, जिला मुख्यालयों पे और मंडी में आपने संबोधित किया है, और जो जहां वहीं से खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। हम आपके साथ खड़े, बोलिए भारत माता की, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।